तक पहुंच जाता है। गंगा नाला गंगा नदी में मिलता है, गंगा गंगा जल कहलाता है। हम लोग भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी अपवित्रताएं हमारे अंदर है, बहुत सारे हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप हमसे हुए हों, गलत काम हमसे हुए हों, उन सबको यदि नष्ट करने का तरीका है कोई, वो है गुरु के साथ जुड़ जाना। आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जिनके पहले से कोई गुरु हो, आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले भी गुरु दीक्षा ले रखी हो, पर उस गुरु दीक्षा का रिन्यूअल एक नवीनीकरण आज करा लीजिए। फिर से उन शर्तों को याद कर लीजिए जिन शर्तों के माध्यम से आप गुरु से जुड़े थे, और गुरु से जुड़ने के बाद आपके जीवन में एक क्रांतिकारी प्रवाह आया था। आज वो लोग भी गुरु दीक्षा लेंगे जो पहले तो गुरु दीक्षा ले चुके हैं, और जो नए आए हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई और गुरु है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, मैनेजमेंट का, हर एक टीचर अलग अलग होता है। परम पूज्य गुरुदेव के साथ यदि जुड़ जाएंगे तो आपको गायत्री का टीचर मिल जाएगा, गायत्री का प्रोफेसर। गायत्री के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है, सारे भारत के महामंडलेश्वर, सारे के सारे जितने शंकराचार्य, सारे सारे दिग्गज जितने भी संत महात्मा हैं, वो सब कहते हैं, एक स्वर में कहते हैं, अगर कोई गायत्री के ऊपर कोई सिद्ध संत है तो केवल एक ही है, उनका नाम है संत पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। उनकी दीक्षा में जिसने ली उसका जीवन निहाल हो गया। भाइयों बहनों, अभी तक जितने दीक्षित लोग हैं उनकी संख्या करीब करीब 15 से लेकर 20 करोड़ के करीब है, पूरे हिंदुस्तान, बाहर देश विदेश में। आप उन संख्या में शामिल हो जाएंगे, और आपको याद रहेगा कि कभी किसी समय गायत्री चेतना केंद्र का उद्घाटन हुआ था, जीजी आई थी और जीजी के साथ डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब ने गुरु दीक्षा का महत्व समझाया था और जीजी ने अपने श्रीमुख से गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। तो वो समय आया है जब आप गायत्री मंत्र की दीक्षा लेंगे, इसके तुरंत बाद हम यज्ञ आरंभ कर देंगे। गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के पहले कुछ कंडीशंस को समझ लें, कुछ शर्तों को समझ लें। शर्तें क्या है? अपनी कुछ बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लें। बुराइयां क्या है? कड़वा बोलना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, किसी के बारे में कुछ तो भी बातें करते रहना, सामने ही नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, पीठ पीछे बोलते रहते हैं। बहुत सारे समाज में लोग एक दूसरे को इसी तरह से ईर्ष्या के माध्यम से, जलसी के माध्यम से तोड़ते रहते हैं। ऐसी अगर कोई बुराई हमारे अंदर हो तो हम आज से छोड़ने का व्रत लें। अपने बच्चों पर नाराज होना, अपनी पत्नी पर नाराज होना, अपने पति पर नाराज होना, जबरदस्ती किसी बात पर रूठ जाना, इन सब बुराइयों से हमारा पर्सनैलिटी इरोड होती है, पर्सनैलिटी हमारी खराब होती है, व्यक्तित्व हमारा खराब होता है, और गुरु दीक्षा नहीं फलित होती। यदि आप गुरु को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इन कमियों को निकालने का संकल्प लें। पहली बात, ये कमियां आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई। दूसरी कमी क्या हो सकती है? खान पान की कमी। आप विदेश में रहते हैं, तरह तरह का खान पान यहां मिलता है, और उसमें कोई तामसिक आहार हो तो वो आपको नहीं करना है। तामसिक आहार क्या? नॉन वेजिटेरियन फूड आपको नहीं खाना। नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे शरीर के लिए नहीं बना है। कई लोग कहते हैं हम जिम जाते हैं, जिमनेशियम जाते हैं। अरे जिम तुम क्या जाते हो? हम भी जिम जाते हैं, रोज जाते हैं जिम, पर आज तक हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी प्रकार के नॉन वेज की। नहीं, वो कहते हैं जिम जाने वालों को नॉनवेज खाना चाहिए, तभी शरीर बनेगा, तभी मसल्स बनेंगे। नहीं मित्रों, आप अगर वो अन्न खाएं, वो खाएंगे, मांसाहार लेंगे तो गड़बड़ होगी, आपके जीवन में बुराइयां ही बुराइयां आती जाएंगी। मांसाहार के बाद शराब आएगी, शराब के बाद और भी गलतियां आती चली जाएंगी। इसलिए अगर आपको लेना है तो शाकाहार, हर्बीवोरस आपको बनना है। हर्बीवोरस का मतलब होता है जो हमारे कैनाइन टीथ है, हमारी आंतें हैं, हमारे अंदर सिक्रीशन जो है, वो सारे साइंटिफिकली स्पीकिंग केवल आदमी मनुष्य जो है वो शाकाहार के लिए बना है, मांसाहार के लिए नहीं बना। हमारे इस देश में बहुत सारा प्रचलन, बहुत बुरा प्रचलन भी है यहां पर कि हम जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, अन्य चीजें जितनी भी हैं उसके साथ बर्जर वगैरह जुड़े हुए हैं। खाएं, कभी कभी खाएं, पर हमेशा नहीं खाएं। ये जो खाने की वृत्ति है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का एक मंदिर है, देवालय है। इस देवालय में वही चीज आनी चाहिए जो पवित्र हो, पवित्रतम वस्तु का ही स्वागत होना चाहिए और किसी का स्वागत नहीं होना चाहिए। कोई मंदिर के दरवाजे पर मांस का टुकड़ा रख दे तो, कोई मंदिर के दरवाजे पर भगवान के लिए प्रसाद में पिज्जा रख दे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, वो नहीं रखना। हमें क्या करना है? हमारे शरीर को पवित्र बनाने के लिए, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए हमें ऐसा सात्विक आहार लेना है जो हमारे जीवन को सही बनाए रखे। खान पान के बारे में ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। शराब का प्रचलन बहुत ज्यादा है, शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, ये सब चीजें अपने शरीर रूपी देवालय को गंदा बनाती हैं। इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश कर। शांति गुंजन गायत्री परिवार के सारे परिजनों के लिए प्रज्ञा पेय बनाया है। प्रज्ञा पेय में 14 जड़ी बूटियां हैं। आप कभी पीके तो देखिए, आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं,
चाय कॉफी छोड़ करके एक बार प्रज्ञा पी करके देखिए, आपकी प्रज्ञा बढ़ जाएगी, आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, आपकी एसक्यू बढ़ जाएगा, जो कुछ इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी आपकी। पर कभी आपने सोचा भी नहीं कि ऐसी कोई चीज हो सकती दुनिया में। हाँ, गुरुदेव की बनाई हुई, गुरुदेव का विधान, जस्ट लाइक हवन सामग्री जो हम नीचे प्रज्वलित करते हैं, उसी हवन सामग्री का दूसरा रूप है प्रज्ञा पे। उसको उबाल करके वैसे ही बनाते हैं जैसे चाय बनाते हैं। यदि आप पियेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रज्ञा आएगी और प्रज्ञा संवर्धन होगा। भाइयों बहनों, गुजरात के लोगों में एक बड़ी गलत परंपरा है, बहुत सरस भोजन छे तो खावानो छे, और मान राखवा माटे खावानो छे। मेरा मान रखो इसलिए खाओ, जबरदस्ती खाओ, खाना खा लिया उसके बाद भी खाओ। खाना खा लिया उसके बाद कौन खाता है आपको मालूम है? कोई नहीं, कोई एनिमल नहीं खाता। गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य को एनिमल कहा है, एनिमल भी एक ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। खाना खा के बैठा है, उसके बाद कोई आकर के कहे जलेबी खाओगे? हाँ, चलेगी, कोई बात नहीं, एक दो चल जाए। हमें मित्रों आहार कम लेना चाहिए, आधा पेट खाने से भरे, एक चौथाई हवा के लिए, एक चौथाई पानी के लिए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उस स्वस्थ शरीर में गुरु दीक्षा फलित होगी। इसलिए गुरु दीक्षा क्यों नहीं फलती, उसका कारण समझ लेना कि दो कमियां जो हमारे जीवन में, तीसरी कमी हमारे जीवन में अगर आती हो मित्रों, तो उसका भी ध्यान रखना आप, वो है दिखावा, फिजूल खर्ची, वेस्टेज, अनावश्यक पैसा खर्च करना, अनावश्यक अपव्यय करना। पैसे को बचाइए, भगवान के काम में लगाइए। दहेज की शादियां नहीं करना, खर्चीली शादियां नहीं करना, इन सबसे बचाना है। समाज को भ्रष्ट होने से बचाना है, बेईमान होने से बचाना है। इसलिए ये सामाजिक बुराइयों से हम अपने आप को दूर रखें। इसको इन तीन बुराइयों, तीनों वर्ग की एक एक बुराई छोड़ने का संकल्प लें। अगर आप सोचेंगे सब छोड़ देंगे तो एक भी नहीं छूटेंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक साधेंगे धीरे धीरे सब सज जाएगा। एक एक व्रत लेना, छोटा छोटा संकल्प, छोटा छोटा संकल्प, और छोटे संकल्प को निभाना। मैंने मित्रों पिछले 20 साल में पूरे विदेश में कई बार भ्रमण किया, भारत में कई बार भ्रमण किया, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का मांसाहार छुड़वाया है केवल एक ही बात के माध्यम से कि मांसाहार नहीं करना, सप्ताह में दो दिन मत करना, फिर बाकी दिन सोचना जिस दिन खाते हो कि दो दिन क्यों छोड़ा था। इसलिए छोड़ा था कि किस तरह से मारा जाता है पशुओं को, उस दृश्य को सोचना, उस सीन को सोचना, और मांस कैसी बुरी चीज है जो हमारे शरीर में जाती है, हम नहीं खा सकते। तो लोगों ने दो दिन के बाद तीन दिन खाना छोड़ दिया, फिर सात दिन खाना छोड़ दिया, और सबके सब शाकाहारी बन गए। तो मित्रों ये बहुत बड़ी क्रांति है, विचार क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है, हमें इससे दूर रहना है। भाइयों बहनों, इन बुराइयों को छोड़ने का नाम है देव दक्षिणा, दक्षिणा देवत्व धारण करने के लिए। सारी की सारी बुराइयां आप छोड़ करके, एक पुष्प आपके पास होगा, फूल होगा, जब आपको कहा जाएगा देव दक्षिणा देने को, तो आप उस फूल के माध्यम से अपनी सारी बुराइयां दे देंगे। सारी बुराइयां हमारी बहनें भाई समेट करके आपके पास से ले आएंगे। परसों हम लोग जा रहे हैं भारत वापस, हम साथ साथ लेते जाएंगे, और माता जी के चरणों में, गुरुदेव माता के चरणों में अखंड दीपक के सामने छोड़ देंगे। और आप मान के चलना, आपने छोड़िए मन से, तो आपकी बुराई छूट जाएंगी, एक भी बुराई आपके जीवन में नहीं रहेगी, आप अच्छे व्यक्ति बनते चले जाएंगे। आप दे दीजिएगा, बस सच्चे मन से दे देना। झूठ बोलना, कड़वा बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, दुनिया भर की बातें करना, सब चीजें छोड़ दीजिए। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ते हो छोटी छोटी बातों पे, तो इन छोटी छोटी बातों को आज छोड़ देना। फालतू में दाम्पत्य जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में क्यों इतनी बुराइयां आती है? इसकी उसका वजह ये की है कि एक पक्ष बोलता है, दूसरा पक्ष जो है वो दूसरा जवाब देता है। इसको अगर एक एक करके दोनों छोड़ देंगे तो सब छूट जाएगा। इसके अलावा मित्रों आपको उपासना करनी है, गायत्री मंत्र की उपासना। गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है, आपसे दोहराऊंगा, मैं आपसे कहूंगा आप रिपीट करिए, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, सबको बोलना है, उस प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, तेजस्वी तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, परमात्मा के, परमात्मा को, दिव्य तेज को, दिव्य तेज को, हम अंतरात्मा में, अंतरात्मा में धारण करते हैं, धारण करते हैं। वह परमात्मा, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, सन्मार्ग की ओर ले चले, ले चले। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। May Almighty illuminate our intellect to righteous path. And this is the same meaning whatever I am saying is written on the scripture just in the front. Shila lagai hai, us shila pe laga hua hai. Aap jaake dekh lena. Gayatri mantra se hi shuruaat hui hai Gayatri Chetna Kendra ki. Wahi laga hua Gayatri mantra aur uske niche uska arth hai.
आप पढ़ लेना, लिख लेना और भावार्थ को याद रखना, गायत्री मंत्र के भाव को याद रखना।